समाकलन करने पर जो हल प्राप्त होगा वही उस अवकल समीकरण का देखो अपने कह दिया है इस बात में कि हमारे पास प्रथम कोटि और प्रथम द्वितीय अवकल समीकरण को सॉल्व करने का फर्स्ट मेथड पढ़ रहे हैं अपन, जिनमें चरों को क्या किया जा सके, पृथक किया जा सके। इसके लिए अपने पास है दो चरों एक्स और वाई। देखो प्रथम कोटि और प्रथम द्वितीय क्वेश्चन लेंगे। इसके बाद देखो एग्जाम्पल नंबर फाइव, एग्जाम्पल dx minus dy is equal to dx plus dy। यहाँ पर एक इक्वेशन दे रखी है x plus y dx minus dy is equal to dx plus dy। यहाँ पर देखो नंबर ऑफ वेरिएबल्स चरों की संख्या कितनी है, दो x और y, और इसके सापेक्ष इसके फंक्शन क्या है dx और dy। x के सापेक्ष क्या है dx और y के सापेक्ष dy। अपना मेथड कौन सा था, चरों को पृथक किया जा सके, तो इसका मतलब क्या हो गया x के चरों को एक तरफ और y के चरों को एक तरफ लेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, समीकरण का इंटीग्रेशन करते हैं, और इंटीग्रेशन करने के बाद जो सॉल्यूशन आएगा वो क्या होगा, सॉल्यूशन समीकरण का अपन लेते हैं यहां से और इवन मुझे दिया है अपने को x plus y dx minus dy equal to dx plus dy। यहां से क्या हो जाएगा आपके पास dx plus dy upon x plus
लिख सकते हैं इसको dx minus dy इधर रहेगा, यहाँ से dx plus dy और ये क्या चला जाएगा अपॉन, आप देखो next यहाँ से x के चलिए y के चलो, ये x के नीचे x का चलो y, क्या करेंगे समीकरण एक का समाकलन कर लेना, समाकलन करेंगे तो देख क्या होगा इंटीग्रेशन dx minus dy इक्वल टू इंटीग्रेशन dx plus dy अपॉन x plus प्लस यहां पर क्या आ गया कोई भी कॉन्स्टेंट है, अब इस प्रकार से जवाब में लोगों के पास समाधान याद करने के कई मेथड होते हैं, इस प्रकार से समाधान ऊपर देखो नीचे क्या है आपके पास x plus y और अपॉन में क्या दे रखा है dx plus dy, यदि अपन क्या मान लें मानना x plus y यहां से इनको अलग अलग कर सकते हैं इंटीग्रेशन dx minus dy, तो इंटीग्रेशन करेंगे dx का तो क्या हो जाएगा x, y का करेंगे तो क्या हो जाएगा minus y इक्वल टू x plus y इक्वल टू क्या होगा d, ये इंटीग्रेशन dt upon t प्लस ये क्या है कांस्टेंट राशि, और इसे किसी भी मान सकते हैं वो किस हिसाब से मान लेंगे भी देखो वी लो इंटीग्रेशन की फॉर्मूले से भी जानते हैं वन अपॉन टी डी टी इक्वल टू क्या होता है लॉग टी, तो यहां से देखो क्या है वन अपॉन टी डी टी इक्वल टू लॉग टी का क्या है एक्स माइनस वाई इक्वल टू लॉग टी, तो अपन कोशिश राशि क्या मान सकते हैं लॉग में मान लेते हैं लॉग सी, यहां से देखो एक्स माइनस वाई लॉग ए इधर में जो भी अपन संक्रिया कर रहे हो वो होने हो गया कितना हो ये एक्स माइनस वाई इक्वल टू लॉग टी प्लस लॉग सी, यहां से देखो लॉग अपन जानते हैं log a plus log b क्या होता है log a b, यहां से देखो a की जगह क्या है b और b की जगह क्या है c, तो क्या हो जाएगा log c a x minus y इक्वल टू क्या आ गया आपके पास log c, और यहां से a की पावर x माइनस y ये हो जाएगा, और अपन देखो t इक्वल टू क्या मान रखे थे x माइनस सॉरी x प्लस y, जब t की वैल्यू रख देंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास c x प्लस y इक्वल टू a की पावर x माइनस y विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, तो ये क्या आपके पास क्या है इसका आंसर क्या हो जाएगा c x plus y इक्वल टू e की पावर x minus y विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन है अपने पास एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स डी एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई डी वाई इक्वल टू जीरो। अपने पास और निवन इक्वेशन एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स डी एक्स वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई डी वाई इक्वल टू जीरो। यहां से देखो एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स दोनों में से एक्स कॉमन आ सकता है, क्या लिख सकते हैं एक्स वन प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स। यहां से देखो y x स्क्वायर प्लस y y बाहर आ सकते हैं, क्या आ जाएगा वन प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई इक्वल टू जीरो। एक आ गया आपके पास वन प्लस एक्स स्क्वायर y डी वाई, एक आ गया x वन प्लस y स्क्वायर। अपन मेथड कौन सा पढ़ रहे हैं चरणों को पढ़ते हैं, देखो यहां पर x का चर ये रहा एक्स प्लस एक्स ये वाई ये। यदि अपन क्या करें एक्स के पदों को एक साथ वाई के पदों को एक साथ कर दें तो क्या लिख सकते हैं इसको, इसको लिखते हैं इक्वेशन एक्स डी एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई डी वाई अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो। यहां पर अपन क्या कर सकते हैं डायरेक्ट एक्स अपॉन में वन प्लस एक्स स्क्वायर इधर ले आए या वाई अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर, या फिर क्या ले सकते हैं अपन कि समीकरण ए के दोनों पक्षों में वन प्लस एक्स स्क्वायर और वन प्लस वाई स्क्वायर का भाग दे देते हैं। तो वन प्लस एक्स स्क्वायर और वन प्लस वाई स्क्वायर का भाग लेंगे तो यहां से क्या कैंसिल हो जाएगा, वन प्लस वाई स्क्वायर क्या बच जाएगा वन प्लस एच स्क्वायर और यहां से वन प्लस एच स्क्वायर अपॉन तो क्या हो जाएगा वन अपॉन एच स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा वन प्लस वाई स्क्वायर। तो ये इक्वेशन आई, आप देखो वापस से कोई अपने को समाधान को सॉल्व करने के लिए जब तक कोशिश अपन मान ले
Required
solution of equation first. Let us begin the required solution of